आज हम करेंगे फुल हैंड, ये हम वेडिंग वगैरह में लगा सकते हैं मेहंदी। और अभी मैं आपको बताती हूँ फुल हैंड मेहंदी कैसे लगाते हैं। मैं बहुत इसमें बेसिक डिज़ाइंस बताऊंगी जो आप इजीली बना सकते हैं। जो है ना ज़्यादा
पहले सिखा चुकी हूँ। ये वाला जो पैटर्न मैं अभी बना रही हूँ, ये मैंने सारे डिज़ाइन में यही सिर्फ यूज़ किया है और कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, अगर आप बना के देखेंगे इसको। ये देखने में अभी टफ लग रहा है बट बहुत ईजी है ये, आप ट्राई कीजिए एक बार। बड़ा डिज़ाइन है कहीं छोटा है, लेकिन सेम ही है, ये पैटर्न तो सेम ही है। ये डॉट वाला भी मैंने आपको बताया था कैसे डॉट डालते हैं। से शुरू किया था, 3 कर्व्स बनाए थे, देन मैंने इसी पैटर्न को दोबारा से रिपीट किया है और एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही आपको ये पूरा हाथ फिल करना है, जो भी इसमें डिज़ाइन से आप देख के इसके बना सकते हैं। इसको बोल्ड कर देती हूँ, बोल्ड करने से क्या होता है कि इसमें मेहंदी में अलग ही डिज़ाइन आता है। लाइक ये बहुत ही ज़्यादा मोटा मोटा दिखेगा ना, और फिर ये डिज़ाइन थोड़ा कम दिखेगा, ये बोल्डनेस ज़्यादा इसमें दिखेगी। तो इससे हमारी मेहंदी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इससे क्या होता है, हमारे डिज़ाइन सेपरेट रहते हैं, इसमें मिक्स नहीं होते हैं अगर हम बोल्ड करते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर बोल्डनेस में हमेशा करती हूँ। देखिए मैंने ये वाले डिज़ाइन का फेस इधर की साइड को किया है और दूसरे वाले डिज़ाइन का इसके अपोजिट किया है। इससे भी मेहंदी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है हमारी।
डॉट कैसे अच्छे से डालते हैं, हमें आगे से थोड़ा प्रेस करना होता है, डॉट हमारा अच्छे से फिर डल जाता है। तो हम इसको कैसे फिल करेंगे, हम इसको भी डॉट ही बनाएंगे। अब हम इसको बोल्ड करेंगे कि हमारा डिज़ाइन और भी ज़्यादा उभर के आए और ज़्यादा अच्छा लगे और पूरा हमारा मिक्स ना हो। जो हम डिज़ाइन बनाएंगे इसका फेस हम इसके अपोजिट करेंगे जो हमने अभी बनाया है। इसको भी हम थोड़ा बोल्ड करेंगे। मैंने आपको कुछ एक लाइंस वाला डिज़ाइन बताया था, लाइक स्लीपिंग लाइन डालने के बाद और हमें फोर डॉट साइड साइड में रखने हैं, वही मैं यहाँ अप्लाई करने वाली हूँ। आप देखिए कैसे इसको बनाते हैं। लास्ट फिंगर पे दोबारा यही सेम डिज़ाइन डालूँगी।
यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपकी लाइन सीधी ही रहे, टेढ़ी ना हो। अभी हम इसको फिल करते हैं। मैंने आपको बताया था, मैं इधर से शुरू करती हूँ कि हमें डॉट कैसे डालना है। 1, 2, 3, 4 ये हमें पूरा ऐसे ही फिल करना है, 4-4 डॉट से। देखिए हमें ऐसे इसी टाइप से पूरा ये फिल कर देना है। अभी इसका कुछ अलग ही लुक आता है ये डिज़ाइन, अगर हम बनाते हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। अभी ये जब पूरा रच जाएगा अच्छे से, thank you।
अभी हमारा पूरा अच्छे से फिल हो चुका है, यहाँ रह गया थोड़ा। ये हमारा भी अच्छे से फिल हो चुका है, देखिए कितना ये ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी मैं इसको और फिल कर देती हूँ, इसमें भी हम सेम डिज़ाइन करेंगे, कर्व कर्व करके जो हम लोग करते हैं डिज़ाइन। देखिए अभी हमारी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं इसको क्या करूँगी, ऊपर से ये जो होते हैं हमारे, ये जो ऊपर का जो फिंगर होता है, इसको मैं फिल कर दूँगी अच्छे से। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइंस भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे पसंद है इसलिए मैं ऐसे बनाती हूँ। आप सिंपल ऐसा कोई डिज़ाइन भी यहाँ बना सकते हैं, या आप सेम डिज़ाइन इधर भी बना सकते हैं।
देखिए हमारी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी लग रही है और ये तब अच्छे से मतलब इसमें रंग चढ़ जाएगा, तो मैं आपको ऐसे भी दिखा दूँगी इसको धुलने के बाद कि कैसी हमारी मेहंदी लग रही है। देख लीजिए आप, ये कहीं भी वेडिंग वगैरह में भी लगा सकते हैं, किसी की शादी है या फंक्शन वगैरह है आप सिंपल मेहंदी लगा सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगी कि ब्राइडल कैसे